नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आईएस सरगना बगदादी के मारे जाने की खबर। आतंकवादी संगठन आईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले में मारे जाने की खबर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आईएस की संवाद समिति अमाक न्यूज ने कहा है कि रविवार को बगदादी की मौत हो गई है। सीरियाई सीमा के निकट गुरुवार को हुए हवाई हमलों में आईएस कमांडर्स के छिपने के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में अल बगदादी के साथ ही आईएस का एक अन्य कमांडर भी घायल हो गया। हालांकि इस संबंध में अब तक आधिकारिक रूप से अमेरिका या अन्य सहयोगी देशों का बयान सामने नहीं आया है। विधेयक को मंजूरी नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। दिल्ली के 21 आप विधायकों को सुरक्षित करने से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की ओर से सहमति प्रदान करने से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं तथा भाजपा आप से डरी हुई है और पिछले साल के विधानसभा चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने से इनकार कर दिया जिसमें आम आदमी पार्टी के उन 21 विधायकों को बचाने का प्रावधान किया गया था जिन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जिन पर अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने विधायकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी हैं, लेकिन वे मुफ्त में काम कर रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप सूत्रों के अनुसार राय ने स्वास्थ्य कारणों के चलते त्याग पत्र दिया है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल राय के स्थान पर परिवहन मंत्रालय का कामकाज भी देखेंगे। राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस बात से अवगत करा दिया था कि उनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है जिसके कारण वे परिवहन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। राय की पिछले महीने एक बड़ी सर्जरी हुई है। बस्तर में मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लगभग 10 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। कोंडा गांव एवं नारायणपुर जिले की सरहद पर स्थित टेटम गांव में हुई इस मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी हो गए हैं। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान एवं विस्फोटक जब्त किया गया है। मुठभेड़ स्थल पर मौजूद परिस्थिति जन्य साक्ष्य, खून के धब्बे एवं घसीटे जाने के निशान से ये साबित होता है कि कम से कम 8 से 10 नक्सली मारे गए हैं और कई लहूलुहान हुए हैं। बंदर की हत्या, शिक्षक पर दर्ज हुआ मामला। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के असमोली क्षेत्र में बंदर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि असमोली थाना क्षेत्र के सदिरनपुर गांव के निवासी शिक्षक मुशर्रफ अपने घर की छत पर बैठे थे। छत पर ही सूखने के लिए मक्का के दाने फैलाए गए थे। एक बंदर बार बार आकर वे दाने खराब कर रहा था। उन्होंने बताया कि बंदर की इस हरकत से तैश में आकर मुशर्रफ ने गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बंदर की हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।